मोबाइल नंबर डायल करते समय या फ़ोन आते समय जो ये +91 +1 ये सब जो हम लोग देखते हैं, ये क्या है और क्यों होता है? ये है ना एक्चुअली कंट्री कोड है, जो हर देश का अलग अलग होता है। पुराने समय में लोग आग जलाकर या फिर कबूतर के जरिए सूचना एक जगह से दूसरे जगह भेजा करते थे। बाद में यह काम टेलीफोन से होने लगा। हर देश का अपना अलग अलग दूरसंचार कोड होता है। अक्सर आपने किसी भी नंबर को डायल करने से पहले उसके आगे +91 लगा हुआ जरूर ही देखा होगा। बता दें कि यह हमारे भारत देश का कम्युनिकेशन कंट्री कोड है। यह हर देश का अलग अलग होता है, जैसे कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का कोड +92 है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे देश का +91 कोड क्यों पड़ा? भारत को +91 कंट्री कोड 1960 में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा दिया गया था। यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मिला हुआ कंट्री कोड है। हर देश को अपना दूरसंचार पहचान जाहिर करनी पड़ती है, ऐसे में ग्लोबल लेवल पर यह कोडिंग प्रणाली बनाई गई है। यूनाइटेड नेशन के अधीन आने वाला अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार की निगरानी की जाती है और उसके लिए उचित नियम बनाए जाते हैं। इसमें से हर देश को एक टेलीकॉम पहचान देने के लिए यह कोड बनाया गया है। संबंधित देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार ही यह कोड बनाया गया है। भारत का कोड +91 है क्योंकि भारत के अलावा जोन 9 में केंद्रीय पश्चिमी और दक्षिणी एशिया का हिस्सा भी आता है, तो इसमें आने वाले सभी देश का कोड की शुरुआत में +9 से ही होगी, तभी तो हमारा कोड +91 है। जबकि नेपाल का कोड +997 है और पाकिस्तान का कोड +92 से है। अभी के समय में कंट्री कोड ये सब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU कंट्रोल करती है। इसमें सारे कंट्री शामिल है। ये पूरे विश्व स्तर पर ग्लोबल लेवल की एजेंसी है और अभी के समय पर यह सब कुछ मैनेज करती है। अगर आप अमेरिका में कॉल करना चाहोगे तो आपको डायल पैड पर +1 के बाद आपको कोई एक नंबर लिखना पड़ेगा।